दोस्तों, आजकल अनैतिक संबंध बांधवा ए लोको माटे खूब ज सामान्य बनी गयू छे। आवा संबंध बांधती वक्ते व्यक्ति ए पण नथी विचारती कि आनाथी तेमना जीवन पर शुं प्रभाव पड़शे। आजकल दरेकना मनमां बस ए ज विचार चालतो होय छे कि कई रीते अनैतिक संबंधो बांधवा। अमुक लोको कोईने प्रेम जाळमां फसावी संबंध बांधवा मांगे छे, तो कोई बलात्कार जेवा गुनाओ करी बेसे छे, अने आ ज कारणे दुनियाभरमां अपराध खूब झड़पथी वधी रह्या छे। अनैतिक संबंधोनी हैवानगी एटली हदे वधी गई छे कि नानी नानी बाळकीओनी साथे पण दुष्कर्म थाय छे, जेना विशे आपणे रोज क्यांक ने क्यांक सांभळीए ज छीए। आजना आ वीडियोमां आपणे जोईशुं कि लग्न पहेला संबंधो बांधवा पर विभिन्न धर्मो शुं कहे छे। नमस्कार मित्रों, आप सौनुं स्वागत छे। जो तमे अमारी चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में आवता बेल आइकॉन ने क्लिक करवानू ना भूलशो। मित्रों, अमे एम नथी कहता कि संबंध बांधवो के संभोग करवो ए खोटू छे, परंतु खोटी रीते संबंध बांधवो ए चोक्कसपणे खोटू ज छे। जो वात करिए बाइबल नी, तो बाइबल में लख्यू छे कि जो कोई ईश्वर ना बनावेला नियम ने तोड़ी अनैतिक संबंधो बांधे छे तो ईश्वर अवश्य तेने सजा आपशे। ईश्वरे यौन क्रिया माटे पति अने पत्नीनो संबंध बनाव्यो छे, जेथी नैतिक अने अनैतिक संबंधोमां फरक करी शकाय। कुरानमां पण मात्र पत्नी साथेना संबंधोने ज मान्य गणवामां आव्या छे। कुरानमां कह्युं छे कि मनुष्ये अनैतिक संबंधोनो विचार पण ना करवो जोईए, कारण के अनैतिक संबंधो ए शरीरनी भूखने संतोषवानो राक्षसी उपाय छे। अथर्ववेद अनुसार स्त्री अने पुरुषे मात्र लग्न पछी ज शारीरिक संबंध बांधवा जोईए, तो ऋग्वेदमां पण लग्न पछीना ज संबंधोने योग्य गणवामां आव्या छे। लग्न पहेला अनैतिक संबंधो राखवावाळी व्यक्तिने नरकमां भयंकर सजाओ मळे छे। अर्थात दरेक धर्ममां लग्न पहेलाना संबंधोने अपराधनी श्रेणीमां राखवामां आव्या छे। मित्रो, तमारा सारा के खराब जे प्रतिभाव होय अमने कॉमेंटमां जरूरथी जणावो, तथा वीडियोने एक लाइक आपी आगळ वधुमां वधु शेर करो, अने अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी बाजूमां आवता बेल आइकॉनने क्लिक करवानुं ना भूलशो। धन्यवाद।